अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और जो आपका रमजान है वो भी खुशियों भरा गुजरा होगा और बड़ा अच्छा गुजरा होगा। तो मैं अभी जस्ट उठा ही हूँ, तो रात सोया था मैं और नींद ज़्यादा आई नहीं है, तो अभी 3 बज चुके हैं और मैं उठ गया हूँ। वैसे भी सहरी का जो टाइम है वो हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे कि मैंने व्लॉग जो है नहीं बनाया था, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल टाइम कह रहे कि नहीं लग रहा था या दिन नहीं कर रहा था, कुछ इस तरह की रूटीन बन गई है, तो जिसकी वजह से मैंने कहा क्या वो व्लॉग बनाने क्या दिखाना, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10 दिन हो गए, 10 रोज़े तकरीबन हो गए तो आज इंशाल्लाह 11वां रोज़ा है वो हम रखने जा रहे हैं। तो पहला शरा जो है वो हो गया है ख़त्म, अभी जो सैरी की तैयारी है तो वो हो रही है। तो मैं आ गया था रूम में, मैंने कहा चले आज व्लॉग बनाते हैं और आज आपको दिखाते हैं कि हमारी जो रूटीन है रमज़ान में वो क्या होती है, तो वो आपको दिखाने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा है कि हम रमज़ान में रात को सोया नहीं करते थे पिछले जितने भी रमज़ान गुजरे, तो इस रमज़ान जो है मैंने रूटीन ये बनाई है कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ 1-2 घंटे जितना भी सो सकूँ उतना सो लूँ, क्योंकि जो रात की नींद है वो रात की नींद ही होती है, जो मर्जी हो दिन में जितना मर्जी बंदा सो ले, जो रात के 2 घंटे भी सुकून की नींद होती है ना, तो वो सारी क्वालिटी जो नींद की है वो रात के वक्त ही है, तो दिन में कभी इधर से आवाज़ आ रही है तो कभी उधर से आवाज़ आ रही है, तो सारी नींद जो है वो मज़ा नहीं आता, जो रात की नींद है वो रात की नींद है। तो अभी नीचे चलते हैं और जाके सहरी करते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गया हूँ जायजा लेने के लिए कि सहरी में क्या तैयारी हो रही है और क्या बन रहा है। तो आज बनाया जी हमारे घर में गिर ना जाए अंडा, तो गैस अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं जो सहरी है तो वो हमने कर ली है। तो अभी जो है सोने का टाइम हो रहा है, तो मैं लगा हूँ सोने, तो मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म है तो वो भी मैं चार्जिंग पे लगा दूँगा, तो आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, तो अभी बज चुके हैं तकरीबन 4 बज चुके हैं, तो आगे पहले मैं उठ जाता था तकरीबन 1-2 बजे, आज मैंने मोबाइल जैसा कि चार्जिंग पर लगाया था तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, तो 3 कैसे बज गए, तो 3 बजे भी मैं फिर ज़बरदस्ती उठाऊँ, मैंने कहा कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए, तो फिर मैंने उठ के घड़ी देखी तो 3 बज गए थे। अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने रूम में आया, तो यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं और वीडियोस वगैरह देखते हैं और व्लॉग वगैरह जो है एडिट करते हैं। तो जो मेरी रमज़ान की रूटीन है तो वो इसी तरह ही है कि सो जाना, उठना है और फिर सो जाना है, तो इसी तरह चलता है रमज़ान, इसलिए तो मैं व्लॉग कर नहीं था। तो मैंने कहा चलो एक व्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारी रूटीन है दिन की वो क्या होती है। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं कंप्यूटर चलाता हूँ और मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो बाद में फिर रफ्तारी की जो तैयारी है वो करेंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा। हाँ जी गाइस, तो अभी बज चुके हैं तकरीबन 5 बज चुके हैं, तो मैं आ गया हूँ ऊपर चूज़ों को दाना वगैरह डालने के लिए और इनका पानी वगैरह चेक करने के लिए। पानी बिल्कुल ख़त्म पड़ा है इसका, सुबह किसने डाला नहीं ना, चलो अभी पानी डाल देते हैं। इनकी डब्बी किधर पड़ी है, इतनी दूर ले गए हो? अभी आपको ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखना, ये अभी खा रहे हैं ना, देखना अभी देखना क्या करता है ये, डर गया अभी, देखना देखना अभी डर रहा है, नहीं तो पहले ही आ रहा था लड़ने के लिए, अभी वापस चला गया, तो इसे भूख लगने ज़्यादा ही लगी थी तो ये लड़ रहा था मेरे, ये देख तो अभी नहीं मैंने डाल दिया दाना और पानी। तो रोज़ाना मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले असर की नमाज के बाद पहले छत पर आता हूँ तो इन्हें दाना पानी डाल के फिर नीचे जाता हूँ, फिर जाके जो चिकन बीन है तो वो बनाता हूँ, तो अभी भी जाके वही बनाएंगे, तो आपको दिखाऊंगा कि मैं बनाता कैसा हूँ। चलें जी अभी बनाना शुरू करते हैं जी चिकन बीन। तो ये पड़ा है जग जिसमें मैंने बनानी है चिकन बीन, और ये है जी लीमू, तो ये देसी और चाइनीज लीमू मिक्स है, तो देसी लीमू जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं आज, पता नहीं इनसे बन सकती है कि नहीं बन सकती, बन नहीं जाएगी मेरे ख्याल से, पता नहीं आपको लीमू नज़र आ रहा है कि नहीं। तो जो देसी लीमू होते हैं ना, तो उनकी जो चिकंजमी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनती है और जायका भी अच्छा होता है। जो है ना चाइनीज लीमू तो उनमें रस भी थोड़ा होता है और जायका भी इतना अच्छा नहीं होता देसी लीमू। अभी मैं जो चीनी है वो इसमें मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरह से,
तो ये मेरा तरीका है इसी तरह मिक्स करने का। ये देखें अब थोड़ी सी रह गई है, तो ये भी मिक्स हो जाएगी। तो अभी से कम कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। फिर मैं ये मिक्स करके यहाँ पे रख दूँगा, जब सारी का टाइम करीब आएगा तो बर्फ़ वगैरह डाल के ठंडी कर लेंगे। तो अभी इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूँ। अफ्तारी के लिए जो है तो वो चिकन रोल है जो वो फ्राई हो रहे हैं, तो शिकंज भी मैंने बना के वहाँ पे रख दी हुई है। ये जो रोल है वो अभी फ्राई हो रहे हैं। अभी टाइम जो हो गया 6:15 हो गए हैं, तो तकरीबन 6:30 जो है रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। तो जो अफ्तारी है वो रख दिया है, इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी है और ये अफ्तारी भी यहाँ पर पड़ी है। तो अभी रोज़ा इफ्तार करना है बस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो 11 रोज़ा है तो वो भी इफ्तार कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह जो बाकी के रोज़े हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम फजल से वो भी इसी तरह इफ्तार करेंगे और रखेंगे। और ये रोज़े के बाद का जो टाइम होता है ना, तो इसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा पिया जाता है, जिसकी वजह से इस टाइम सुस्ती पड़ जाती है और कुछ काम करने को नहीं करता। तो फिलहाल वैसे मैं अभी अपने कमरे में आ गया हूँ, तो यहाँ पे अभी व्लॉग जो है वो एडिट करूँगा। अभी हम आए थे यहाँ पे पानी लेने के लिए, तो रात के अभी बज रहे हैं 11, तो मतलब अभी यहाँ से पंचर लगवाया है बाइक का, तो अभी जाने लगे थे, उसकी चेन है जो बाइक की वो भी टूट गई, तो वह हाथ में लिए फिर रहा है अभी, पता नहीं क्या बनता है इसका फोन की राज था जाओ। चल वापस घर आलू मार को नहीं वापस फोन घर आलू उन्हें भी मैं बना दिया छापड़ दे पा। तो गाइस ऐसा है कि फिर मतलब की बाइक जो हम कर ले आए थे, तो फिर मेरी बाइक पे जाके हमने पानी वगैरह लेके आ गए। तो अभी तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, तो ये व्लॉग छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया, जितना मेरे से बन सका है उतना मैंने बनाया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।